केशरिया हिंदू वाहिनी की महिला टीम ने आज से रोटी बैंक चालू की है। जो भी गरीब परिवार के लोगों की समस्या का समाधान करके दो टाइम की रोटी से पेट भर दिया जाता है। लगातार इस कार्य करने में महिलाओं ने अपने घर से खाना बनाया और गरीब परिवार में बांटा गया, जिसे कोई गरीब भूखा नहीं सोया। मैं केशरिया हिंदू वाहिनी से राष्ट्रीय प्रभारी रोटी बैंक शिवगति सिंह, और मैं यहाँ पे रोटी वितरण करने के लिए आई हूँ। मेरा हमारा मकसद है, हमारे पूरे संगठन का ये मकसद है कि इस यहाँ पे कोई भी भूखा न सोए। हम जितना हो सकता है हम अपने परिवार की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे कि हर जगह पे, हर जिले में, हर प्रदेश में हम लोग रोटी वितरण का काम करें, और हमारा रोटी बैंक यही काम कर रहा है। हम लोग का पूरा प्रयास है कि यहाँ पे कोई भी गरीब बिना भूखे ना सोए, उसे कुछ ना कुछ हम लोग प्रदान जरूर करें, जिससे कि उसकी कुछ ना कुछ भूख मिट सके और लोग उससे प्रोत्साहित हो सके। और हम यही चाहते हैं, हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हम लोग को देख के जो हम लोग कर रहे हैं, यही और लोग भी करते रहें, जैसे हमने किया है। हमको देख के मैम हम लोग आज करेंगे, मैम को देख के कोई और कर रहा है, तो इस तरीके से जो एक चेन बंधेगी, उस चेन का हम लोग यही चाहते हैं कि वो चेन बहुत दूर तक जाए और बहुत अच्छा काम करे। क्योंकि यहाँ ही नहीं, हर जगह, हर शहर में कहीं ना कहीं पे गरीब लोग रहते हैं जिन्हें रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इस टाइम पे दिस इज़ अ पैंडेमिक सिचुएशन एज बीइंग राइट नाउ, तो मैं ये चाहती हूँ कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है गरीब लोगों के लिए, काम नहीं है उनके पास, क्या करें। और लेकिन खाना तो खाना ही है, काम हो या ना हो, पेट तो पर भरना ही है हमें। इस वजह से हम लोगों ने, ये हमारे संगठन ने ये तय किया है कि हम लोग गरीब लोगों को जो है तो रोटी वितरण करें, खाना वितरण करें, खाने का जो भी सामान हो सकता है आप गरीब लोगों को वितरण करें, जिससे इनका पेट भरे और इन लोगों की दुआएं भी हमारे संगठन को मिलेंगी, जिससे हमारा संगठन दिन प्रतिदिन और तरक्की करेगा।